और उस वक्त खबर आ रही है रांची से, यहां पर इंडिया गठबंधन की रैली में हंगामा हुआ है। रांची की रैली में भिड़े हैं कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता, आपस में भिड़ गए हैं। चतरा सीट पर टिकट को लेकर ये झड़प हुई थी। एक कार्यकर्ता को यहां पर चोट लगी है, चोट आरजेडी के कार्यकर्ता को लगी है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार केएन त्रिपाठी का विरोध यहां पर किया जा रहा था, उनका कहना है कि ये टिकट आरजेडी को मिलना चाहिए थी। प्रभाकर कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर, इस वक्त क्या स्थिति है यहाँ पर और आखिर कैसे शुरू हुआ ये हंगामा? जी देखिए, ये इंडिया गठबंधन की जो रैली हो रही है रांची में, उसमें ये मामला हुआ, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ गए और उनका मुद्दा था चतरा लोकसभा सीट। चतरा लोकसभा सीट जो है वो पहले से आरजेडी लड़ती आ रही है और आरजेडी के खाते में वो सीट जाता था। इस बार जब सीटों का बंटवारा हुआ तो वो सीट चला गया कांग्रेस के खाते में और कांग्रेस ने वहां से जो अपना उम्मीदवार दिया वो उम्मीदवार बाहर के उम्मीदवार हैं, केएन त्रिपाठी उनका नाम है, वो बाहर के उम्मीदवार हैं। उसी संदर्भ में जो आरजेडी के वर्कर्स थे, जो वहां टिकट के दावेदार थे, वो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे हुए थे, साथ में केएन त्रिपाठी के भी समर्थक वहां मौजूद थे और उन दोनों में भिड़ंत हो गई, जिसमें लाठियां भी चली, मारपीट भी हुआ। अंत में पुलिस को बीच में आके बीच बचाव करना पड़ा, जिसमें एक व्यक्ति का सर भी फट गया, उसे अस्पताल ले गया गया और कुल मिला के अभी जो है स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन वो 10 मिनट तक वहां पर जो है काफी कोमोशन रहा, काफी वहां हंगामा होता रहा, जिसके चलते जो भाषण दे रहे थे नेतागण वो लोग भी रुक गए स्टेज पे और उन्होंने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, शांत कराने की कोशिश की। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तो मामला अभी शांत है। ये घटना लगभग 15 मिनट पहले की घटना है और अब मामला शांत है। एक व्यक्ति जिनका सरपट है उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर गठबंधन में है कांग्रेस और आरजेडी, इंडिया गठबंधन में है, लेकिन उसके बावजूद चतरा की सीट को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर यहाँ पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। एक कार्यकर्ता को यहाँ पर चोट आई है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।